शेयर करूंगी और अभी बजा है सुबह के 9 और आज जो है हमारा ब्रेकफास्ट नहीं होना, डायरेक्ट ही हम लोग अभी जो है लंच करेंगे। और आज लंच में मैं बना रही हूँ इडली सांभर और उसको पूरा टाइम लगता है बनने में। पहले तो मेरा मूड बिल्कुल नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, पर सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ। तो आधी मेरी तैयारी हो चुकी है सांभर की, तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं सांभर किस तरीके से बनाती हूँ। गाइस, मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने ऑलमोस्ट तैयारी कर ली है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ड्रम स्टिक लिया हुआ है, ये लौकी लिया हुआ है, 2 बैगन रखे थे मेरे पास वो भी डाल दिया, फूल गोभी, आलू था नहीं तो मैंने आलू नहीं डाला, तो मेरे पास जो अभी वेजिटेबल थी वही मैंने लिए, 3 टमाटर लिए। और यहाँ पर मैंने 1 लहसुन का गट्ठा छील के रखा है, 4 लाल सूखी मिर्च ले रखी है, गुड़ ले रखा है, इमली ले रखी है। और यहाँ पर ये जो है ये मेरा सीक्रेट तरीका है, ये जो है ये है चने की दाल और चावल, ये मैंने थोड़ा सा गैस पर इसको भून लिया है और ये अब मैं ग्राइंड करूँगी। ये मेरा मतलब जब भी मैं सांभर बनाती हूँ ये मैं ज़रूर ऐसे करके डालती हूँ, तो इसका जो एक टेक्सचर है जो सांभर का वो आ जाता है। तो ये हो गई तैयारी ऑलमोस्ट। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, दाल में मैंने धोकर, दाल धोकर उसमें नमक और थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब तेल डालकर मैंने दाल को बॉईल कर दिया था। अब मैं चलिए कैसे दाल बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर मेरा इडली का जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। ये मैंने कल सुबह दाल और चावल भिगोए थे, उड़द की दाल और चावल भिगोए थे और रात को मैंने इसको पीस लिया था और पीस के इसको इस डब्बे में रख दिया। और सुबह उठ के इसमें खमीर आ गई है, बहुत अच्छी खमीर आई है। अब इसमें ये थोड़ा जैसे अभी गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है, इसमें थोड़ा पानी पड़ेगा, नमक पड़ेगा और उसके बाद चलिए देखते हैं अभी कैसे मैं क्या करूँगी। तो गाइस यहाँ पर ये जो है इसको मैं ग्राइंड करके लाती हूँ और ये दाल चावल जो था इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो गाइस ये देखिए ग्राइंड मैंने कर लिया, अब इसको मैं डाल लेती हूँ प्लेट में। आज जो है सांभर की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होने वाली है क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं घर पे, तो मैं सांभर ज़्यादा बना रही हूँ। आप ये नहीं सोचना कि कितना बड़ा पतीला रखा है और ये बना रही है इसमें इतना सारा, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ पर मैंने ये 3 प्याज लिए हैं, इसको मैं बड़ा बड़ा काट लूँगी। और ये मिर्ची के जो डंडे हैं वो मैं निकाल के अलग कर लेती हूँ। सांभर की पहले तैयारी कर लो तो सबसे बेस्ट रहता है, क्या, क्योंकि फिर बाद में तकलीफ नहीं होती है कि ये रह गया वो रह गया। तो इस तरीके से ही प्याज कट कर रही हूँ मैं, बड़े बड़े टाइप में, बारीक कट नहीं करना है। तो चलिए अब बनाना शुरू करती हूँ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जो पतीला है इसको मैं ऑन कर लेती हूँ गैस को। और इसमें थोड़ा तेल जो है वो क्वांटिटी इसकी थोड़ी ज्यादा पड़ेगी जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वांटिटी ज्यादा है तो तेल भी ज्यादा पड़ेगा। तो मैंने ये नॉर्मल रिफाइंड ऑयल जो होता है वो डाला है। तो गाइस तेल गरम हो चुका है, तेल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी सरसों डालूंगी मैं इसमें, एकदम आंच को जो है लो कर लेंगे। और अब डालूंगी मैं इसमें प्याज, प्याज
और अब डालूंगी इसमें लहसुन और ये जो लाल मिर्च है ये डालूंगी। ज्यादा भूनना नहीं है इसे, पकाना नहीं है ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट बस। और गैस को कर लूंगी थोड़ा सा तेज। हरी मिर्च भी डाल रही हूं मैं। अब इसमें डालूंगी ये सारी जो वेजिटेबल है ये डालूंगी। और टमाटर को भी लंबा लंबा कट करके डाल दूंगी। आज थोड़ा अलग टाइप का बन रहा है। अब इसको थोड़ा चलाऊंगी। आंच जो है वो मैंने तेज करके रखी हुई है। आंच आलू नहीं था, आलू होने से तो और अच्छा लगना था ये, पता है। अब इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। याद रखना है दाल में भी मैंने हल्दी डाली है तो इसमें भी थोड़ी क्वांटिटी जो है हल्दी की थोड़ी कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं डालनी है। और ये डाल रही हूं मैं लाल मिर्च पाउडर। और मैं ये डाल रही हूं हींग पाउडर। और अब इसको मिक्स करूंगी, अच्छे से चलाऊंगी। दूसरी तरफ मैं चढ़ा रही हूं गरम पानी, सांभर में डालने के लिए गर्म पानी चढ़ा रही हूँ। और दाल को हम थोड़ा चेक कर लेंगे कि दाल गली कि नहीं गली। हाँ, मस्त एकदम दाल पक चुकी है, इसको घोटने की भी जरूरत नहीं है। दाल को एकदम परफेक्ट पक गई है। अब इसमें ये जब थोड़ी पक जाए और ये देखिए थोड़ा सा हो गया है, अब मैं डालूंगी इसमें जो ये दाल और चावल जो हमने पीसा था ये डालेंगे। ज्यादा नहीं डालना, अगर ज्यादा बन जाता है तो रख देना उठा के, पर इसमें क्वांटिटी अपने हिसाब से डालनी है। और ये डाल दिया। ये दाल चावल डालने का कारण ये है कि एक जो टेक्सचर होता है बहुत अच्छा आता है सांभर का। और अब मैं इसमें डालूंगी सांभर मसाला, ठीक है। सांभर मसाला मैं 3 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। ये है सुहाना का मैंने सांभर मसाला लिया हुआ है और ये मैं 3 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। और इसको मिक्स करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गाइस, काश मैं आप लोगों को
शेयर कर पाती आपके साथ। अब जो ये गर्म पानी हो रहा है, अब गर्म पानी में इसमें डालूंगी, गैस को थोड़ा कम कर देंगे। थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये करी पत्ते। करी पत्ता जो है मैं अलग अलग करके नहीं डाल रही, क्योंकि करी पत्ता बहुत छोटा है, फिर वो एक 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 मुंह में आता है, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं पूरा डंडी के साथ ही डालती हूँ। और डंडी के साथ डालने से आप कभी भी करी पत्ता डालोगे तो एक टेस्ट आता है। तो ये हो गया, और अब मैं इसे सब्जी को थोड़ा पकने के लिए छोड़ दूंगी। गाइज अभी सब्जी को बीच बीच में हम चेक करेंगे। ये देखिए, सब्जी को बीच बीच में चेक करते रहना है, गली की नहीं गली, अभी भी थोड़ा बाकी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सब्जी को दाल के साथ ही पका लेते हैं। दाल के साथ पकाने से क्या हो जाता है, सब्जी ना बहुत ज्यादा गल जाती है, और जो सब्जी का जो फ्लेवर है वो फिर टेस्ट नहीं ला पाते हम सांभर में। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ जैसे अभी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इधर गर्म पानी भी हो चुका है, इसको मैं बंद कर देती हूँ, और सब्जी थोड़ी सी पकने के लिए हम इंतजार करेंगे। गाइस इधर दूसरी तरफ जो है इमली का मैं पानी निकाल रही हूँ उसमें डालने के लिए। इसको पूरा चौटका चौटका के ना पूरा इसके खिचड़ी निकाल देनी है। हिंदी में क्या बोलेंगे, चटका चटका के, हाँ मसल मसल के, इसको मसल मसल के पूरा इसका रस निकाल देना है। ये देखिए, ये पूरा पानी निकल गया है इमली का। चलिए देख लेते हैं अब सब्जी की क्या स्थिति है। गाइज अभी एक पोपट हो गया मेरा। मुझे लगा रिकॉर्डिंग चालू है पर मेरी बैटरी हो गई लो और रिकॉर्डिंग हो गई बंद, और जो मेन था वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। फिर कभी किसी वीडियो में शेयर करूंगी, पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो मैंने क्या किया, वो जो इमली का पानी निकाला था, और सब्जी पहले चेक करा सब्जी पक गई या नहीं पकी, उसके बाद मैंने उसमें डाला दाल। दाल डालने के बाद मैंने डाला पानी, जो गरम किया हुआ था पानी, और पानी उस हिसाब से डाला मैंने कितना हमको पतला चाहिए गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से मैंने पानी डाला। फिर उसके बाद मैंने गुड़ डाला, और अब इसको मैं ढककर छोड़ दिया है बॉईल होने के लिए। गाइस तो बस यही चीज जो है वो मैं एकदम निकल गया, तो सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में कभी फिर से सांभर बनाऊंगी फिर से शेयर करूंगी। पर जो भी है ये है सांभर की रेसिपी, अभी बनने के बाद दिखाती हूँ कैसा दिखता है। अभी बॉईल हो चुकी है, ये देखिए, और इसका जो नमक वगैरह है वो थोड़ा टेस्ट कर लेना है, अगर कम हो तो थोड़ा डाल देना है। तो ये बन गई सांभर एकदम होटल वाली। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, और सॉरी जो बीच का जो था आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्या करना है। तो अब मैं इडली बना लेती हूँ और चटनी भी बना लेती हूँ नारियल और मूंगफली की। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। चाय पीने का मन कर रहा है, तो अब मैं सांभर हो चुका है, मैं चाय पी लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद चटनी और इडली का देखूंगी। थोड़ा सा तो एनर्जी चाहिए
गर्मी भी इतनी पड़ी है ना गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी गर्मी पड़ी हुई है, बहुत गर्मी पड़ी है। अभी चाय पील के चाय जैसी हो जाती है, चाय पी के मेरी मम्मी को कॉल करना है। आज कल भी कॉल नहीं किया, ज्यादा बात नहीं हुई। आज बर्तन ही मैंने कौन सा वाला ले लिया यार, पूरी चाय जो है वो जल गई यार। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में मूंगफली को भून लिया है और मैं अभी चटनी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ ये नारियल था, इसको मैंने छील कर फ्रीजर में रख दिया था कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। और अब मैं इसको इस तरीके से करती रहूंगी और ये देखिए टूट टूट के ऐसे निकल जाता है, ऐसे आ जाता है साबुत। तो ये आसान तरीका है, मैं जो पानी वाला नारियल होता है इसी तरीके से मैं फोड़ती हूँ और एकदम परफेक्टली निकल के फिर सिर्फ गोला गोला आ जाता है बाहर। ये बहुत आसान तरीका है। तो इसी तरीके से नारियल को, अगर आपको पानी वाला नारियल, आपको सिर्फ पानी पानी और नारियल चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये देखिए गाइस इस तरीके से निकल गया। अब मैं इसको कट करूंगी ना तो पूरा पानी निकलेगा, तो पहले ये क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पे। अभी मैं इसको कट करूंगी। ये देखिए कितना अच्छे से निकला है। और ये जो पानी है ना ये भी मैं चटनी में यूज करूंगी, तो इसी तरीके से मैं चटनी बनाती हूँ। इतना आसान है ना ये करना, आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। बहुत इजी तरीका है नारियल को इस तरीके से निकालना, छीलना, करना। तो गाइस ये हो गई चटनी की तैयारी। अब इसमें मैं धनिया पत्ता और ये मूंगफली और हरी मिर्च ये डालकर और नमक और थोड़ा सा अदरक ये डाल के मैं ग्राइंड कर लूंगी और मेरी चटनी बनकर तैयार है। पर मैंने क्या किया है, ये चटनी भी बन चुकी है। ये मैंने आपको अभी दिखाया, नारियल लिया था मैंने और थोड़ी मूंगफली ली है और धनिया पत्ता, अदरक और हरी मिर्च और नमक ये सब मिला के मैंने चटनी बना ली है। और इस तरीके से थिकनेस वाली है चटनी। और आपको थोड़ा सा लाल लाल दिख रहा होगा, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने थोड़ी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हरी मिर्च जो थी वो बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, इसी वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए लाल मिर्च ऐड कर दिया। और इधर इडली भी तैयार हो रही है, यहाँ पर इडली बर्तन में इडली है और यहाँ पर ये बैटर है और ये साथ के साथ ये भी चालू है। तो चलिए अब चटनी जो है उसको मैं थोड़ा सा तड़का मार लेती हूँ। तो तड़के में मैं क्या करने वाली हूँ दिखाती हूँ आपको। तो गाइज यहाँ पर मैंने ये चमचा ले रखा है और ये गैस पे चढ़ा दिया है और अभी मैं डालूंगी इसमें तेल, थोड़ा सा ही तेल डालना है। और तेल जैसे गर्म हो जाए मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों और जीरा। और अब डालूंगी इसमें ये लाल मिर्च और ये करी पत्ता। गैस को करूंगी बंद और एक हाथ से इसमें डाल दूंगी।
तो गाइस चटनी भी बनकर तैयार है। तो ये था मेरा आज का लंच। तो यहाँ पर है सांभर और इडली तो बनी रही है गरम गरम, और ये बन गई चटनी, बहुत टेस्टी बनी है, काश मैं आप लोगों को खिला पाती। तो गाइस आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, ये सब बनाने के बाद मैं थोड़ा नहा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलिए तो गाइस अभी मैं शावर लेकर आ गई हूँ, और आप देख रहे हो नहा के भी कितना पसीना आया हुआ है, इतनी गर्मी पड़ी हुई है कि आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अभी सब कुछ बना लिया है, सब कुछ अब बस खाली खाना है और कुछ नहीं करना है, और थोड़ा आराम करूँगी। और अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ अच्छा मिलेगा। ये मैंने 3 मीटर लिया है, और ये उसके नीचे का अस्तर लिया है मैंने 3 मीटर, और बहुत ही अच्छा एक ड्रेस बनने वाला है। और आपके साथ अभी मैंने डिसाइड की क्या मैं ड्रेस बनाऊंगी या घाघरा बनाऊंगी, जो भी कुछ बनाऊंगी वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।